Now students, before proceeding, next reaction like displacement, double displacement and redox reaction. Before that, we will discuss reactivity series. Reactivity series हमारे पास इसके लिए बहुत ज्यादा important है. Reactivity series को हमें पहले learn करना पड़ेगा. Reactivity series के learn करने के लिए हमारे पास ये क्या है reactivity series के हमारे पास, जिसके अंदर कुछ elements को arrange किया गया है. कुछ एलिमेंट्स ने, एलिमेंट्स कौन से हैं, नॉर्मली मेटल्स, मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज है. रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज में हमने क्या कर रखा है, मेटल्स की अरेंजमेंट कर रखी है. उन मेटल्स की अरेंजमेंट में हमने मेटल्स को कैसे रख रखा है, मोर रिएक्टिव मेटल्स सबसे ऊपर, उससे कम रिएक्टिव मेटल्स डाउन, देन डाउन डाउन एंड सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स नीचे. ये सिल्वर और गोल्ड भी हमारे पास इसी के नीचे ही है. फर्दर आई हैव प्लेस्ड इट हियर. नाउ सबसे ऊपर जो ये मेटल्स हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये क्या है हमारे पास, रिएक्टिव मेटल्स हैं. मिडल में मीडियम रिएक्टिविटी है और नीचे आने तक हाइड्रोजन से नीचे क्या हो जाती है, लीस्ट रिएक्टिव हो जाती है. तो ये मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज है, जिसको लर्न करने के लिए हम एक ट्रिक का यूज कर लेते हैं. वो ट्रिक क्या है हमारे पास, अगर हम इन फॉर्म को लर्न करना चाहें इंस्टेड ऑफ सिंबल, सिंबल हमें मेमोराइज है लिटिल बिट, बट स्टिल पोटेशियम का सिंबल के, कैल्शियम का सिंबल सी ए, सोडियम का सिंबल एन ए, मैग्नीशियम का सिंबल एम जी, अल्मीनियम का सिंबल ए एल, तो उन सिंबल्स को और इस रिएक्टिविटी सीरीज को सिक्वेंस में याद करने के लिए हम यहाँ पर हमने एक ट्रिक यूज करेंगे. वो ट्रिक क्या है हमारे पास, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट जेब्रा. पहले यहां तक का लिख लेते हैं हम, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट जेब्रा. बट प्लीज का मीनिंग पी पोटेशियम, एस सोडियम, सी ए कैल्शियम, एम मैग्नीशियम, ए एल्यूमिनियम, सी कार्बन, जेड जिंक. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आई लाइक हर कॉल स्मार्ट गॉट. क्या ये हमारे पास, आई लाइक, आई आयरन, एल लेड, एच हाइड्रोजन, सी कॉपर, एस सिल्वर एंड जी गॉट. ये हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न करने के लिए एक ट्रिक है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट जेब्रा, आई लाइक हर कॉलिंग सिल्वर गॉड. अब अगर हमें इसके सिंबल्स को भी लर्न करना है, कि अगर हमें इन अभी हम टेंथ में आकर के अभी भी हम सिंबल्स में कंफ्यूज होते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है, काशी नाथ का माली आलू को जरा फीका पकाता है, कोई आगे आए. रिएक्टिविटी सीरीज का यूज कहां होगा वो मैं अभी बताती हूँ आपको. तो ये इसको लर्न करने के लिए ट्रिक है, के काशी नाथ सोडियम, का सी ए माली एम जी, आलू ए एल, को सी जरा जेड एन, फीका एफ पी, पकाता पी बी, हाइड्रोजन एच है, कोई सी यू आगे ए जी आए ए यू. ये हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न करने की एक सिंपलेस्ट से ट्रिक है. फर्स्टली आप इसे नोट डाउन कर लो. और इसके अंदर हमारे पास क्या है, अगर हम इसके अंदर टॉप टू बॉटम की तरफ जाते हैं, तो सबसे ऊपर हमारे पास कौन से एलिमेंट्स आते हैं, मोस्ट रिएक्टिव. डाउन द ग्रुप नीचे जाते 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 हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है. रिएक्टिविटी डिक्रीज, और इसके नीचे यहां तक आने तक हमारे पास क्या हो जाएगी, ये एलिमेंट्स कैसे हो जाएंगे, लीस्ट रिएक्टिव. और
और ये इसमें से अगर मैं इनकी बात करूं, सोडियम और पोटेशियम, ये मेटल्स इतने ज्यादा रिएक्टिव हैं कि अगर हम इन मेटल्स को नेचर के अंदर भी एज इट इज रख दे तो ये आग पकड़ लेते हैं, लाइक सोडियम था हमारे पास, सोडियम ही हमारे पास क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर के Na2O सोडियम ऑक्साइड बना देता है। बैलेंस कर लेंगे हम इस इक्वेशन को, दिस वन फोर सोडियम टू ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन, तो ये जो सोडियम ऑक्साइड है ये हमारे पास क्या कर लेता है, इसको आग पकड़ लेता है, ये आग पकड़ लेता है। ऐसे ही हमारे पास अगर हम कैल्शियम सोडियम पोटेशियम की बात करें तो ये भी हमारे पास क्या कर लेते हैं, नेचर के साथ रिएक्ट होकर के, लाइक कैल्शियम, कैल्शियम भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर के हमारे पास क्या बना लेता है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये सारे कंपाउंड्स क्या होते हैं हमारे पास, आग पकड़ लेते हैं, जिस वजह से हम मेनली सोडियम और पोटेशियम जो है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, रखते ही नेचर में आते ही ये क्या कर लेंगे, आग पकड़ लेंगे। तो इस वजह से हम इन्हें क्या करते हैं, केरोसिन ऑयल में डिपॉजिट करके रखते हैं। ऐसे ही अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं तो मैग्नीशियम रिबन आता है हमारे पास, ये मैग्नीशियम रिबन अगर हम उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा लेते हैं, मीन्स अगर हम उसे नेचर में रख देते हैं तो उसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है, मैग्नीशियम के ऊपर एक ऑक्सीजन की लेयर चढ़ जाती है, तो वो क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगेन यही मैग्नीशियम ऑक्साइड भी हमारे पास कैसा हो जाता है, ये रिएक्ट होने से, फर्दर इसको रिएक्ट होने से बचा देता है, नेचर के कॉन्टेक्ट में आने से इसे बचा देता है। अगर हमें मैग्नीशियम रिबन को जलाना है तो ये मैग्नीशियम रिबन नेचर के साथ ही रिएक्ट कर चुका है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना चुका है, तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, पहले रब करके इसे उतारना पड़ेगा, पेपर का यूज करके इसे रब करके इसे उतारेंगे, उसके बाद हम इसका फर्दर जो है यूज कर पाएंगे, इसको बर्न कर पाएंगे, अदरवाइज ये नेचर में फर्दर आगे अगर हम इसको जलाना चाहें तो ये एज इट इज नहीं आग पकड़ पाता, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑलरेडी मैग्नीशियम ऑक्साइड बना चुका है। नाउ नोट डाउन दिस, देन वी विल डिस्कस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ दिस रिएक्टिविटीज।